हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाँच इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं मैं बलराम प्रधान। गाइस टुडे आई एम सॉल्व जेनरेटर प्रॉब्लम्स एंड फोर फॉल्स जेनरेटर्स प्रॉब्लम्स एंड एट फॉल्स जेनरेटर्स प्रॉब्लम्स। चलिए शुरू करते हैं आज। गाइस दिस इज द क्वेश्चन, ए फोर फॉल्स जेनरेटर हैविंग wounded armature have 51 slots, each slots 20 conductors, what will be the voltage generated in the machine when give at 1500 rpm, assume the flux per pole to be 7 mW। guys जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था शॉर्ट शंट का प्रॉब्लम्स ईजी इक्वल टू बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई इंटू प्लस ब्रश ड्रॉप। बट यहां पे हमारा कुछ अलग सा, जैसे कि पी फाइव जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए, दिस इज फॉर्मूला। गाइस यहां पे हमको पोल दिया गया, पोल हमको दिया गया फोर पोल एंड फाइव इंच फ्लक्स पर पोल टू बी ओवर, ओवर हमारा 7 mW दिया गया, बट इसको हम ओवर पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 7 × 10⁻⁻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 
नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इसमें हमको दिया गया स्लॉट कितना 51, पर स्लॉट में 20 कंडक्टर है, 51 इंटू 20 इज इक्वल टू 1020। नेक्स्ट हमको एन दिया गया, एन मीन्स आरपीएम्स, 1500 आरपीएम्स। गाइस हमको इजी अभी निकालना होगा, 4 × 7 × 10⁻¹⁰ × Z 1020 × 1500 ÷ 60 × 2। टोटल आंसर हमारा 3050 ₹70। दिस इज द आंसर। ए 8-pole डीसी साउंड जनरेटर with wave connected armature conductors and running at 500 rpm, supply is load of 12.5 ohm resistance at terminal voltage 50 volts, the armature resistance is 0.24 ohms, the field resistance is 250 ohms. Find the armature current, the induced EMF and the flux per pole. Guys answer हमको first दिखना होगा
हमारे पास क्या क्या डाटा है। फर्स्ट हमको एक डायग्राम बनाना होगा। गाइस हमारे पास डाटा है पोल, एट पोल एंड कंडक्टर्स। हमारा कंडक्टर्स 7 7 8। नेक्स्ट हमको आरपीएम दिया गया 500 आरपीएम। आरएल हमको दिया गया 12.5 ओम। बी वोल्ट हमको दिया गया 50 वोल्ट्स। नेक्स्ट आर ए हमारे पास 0.24 ओम्स। देन आर एस एच हमको मिला 250 ओम्स। गाइस फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे आई ए आर्मेचर करंट। आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल। हमारे पास आई एस एच नहीं है, फर्स्ट हमको निकालना होगा आई एस एच। आई एस एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय आर एस एच। बी हमारा 50, आई एस एच हमारा 250। देन आंसर हुआ 0.2 एम्पियर्स। देन हमको निकालना होगा आई एल। आई एल इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 12.5 मीन्स आर एल इज इक्वल टू 4 एम्पियर। नेक्स्ट हमको आई एल मिल गया, आई एस एच 0.2 एम्पियर प्लस 4 इज इक्वल टू 4.2 एम्पियर्स। गाइस नेक्स्ट Eg इक्वल टू बी प्लस आई ए इंटू आर ए इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 0.24 इक्वल टू 51.008 वोल्ट। देन नेक्स्ट Eg इक्वल टू पी फाइव जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए। नेक्स्ट 8 × 5 × 7 7 8 × 1500। नेक्स्ट 60 × 2। नेक्स्ट बी इक्वल टू पी फाइव जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए। वोल्टेज हमारा 51.008 इक्वल टू 8 × 5 × 7 7 8 × 1500 डिवाइडेड बाय 120। नेक्स्ट फाइ इक्वल टू 51.008 × 120 डिवाइडेड बाय
8 into 7, 7, 8 into 1500 equal to 0.55 into 10 to the power minus 4 वेबर। बट हमको मिली वेबर पे करना होगा तो 0.653 मिली वेबर। दिस इज द आंसर। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप लोगों को मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।